यस, डिक्टेशन की गति है 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, देश में जो उद्योग धंधा चल रहा है या देश की उन्नति करने का, देश में समृद्धि लाने का जो वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकीय आविष्कार हो रहा है, उसमें भी उसका उपयोग पूरा पूरा हो। यदि ऐसा हो तभी मैं समझता हूँ कि हमारी पेटेंट प्रणाली सफल सिद्ध हो सकती है। यह प्रश्न उठ सकता है कि किस सीमा तक व्यक्ति के अधिकार की रक्षा की जाए और किस सीमा तक उसके अधिकार का हनन किया जाए ताकि समाज का अधिक से अधिक लाभ हो, समाज उसका अधिक से अधिक उपयोग कर सके। एक दृष्टिकोण जो इसके पीछे है, हमें इस बात का अभिमान है कि हम 101 करोड़ है। हमारी कई जातियाँ, कई धर्म, कई भाषाएं और कई प्रकार के रीति रिवाज है। इस विविधता से हमें लाभ उठाना चाहिए, किंतु आज भेदभाव का भूत हमारे सिर पर चढ़ रहा है। भारत को स्वतंत्रता मिली है, इसका अर्थ यह होना चाहिए कि गरीबों की सेवा के लिए आज तक हमें जो सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी वे मिली हैं। जिस प्रकार भरत ने अयोध्या के राज्य को राम का समझकर सेवक वृत्ति से राज्य का काम संभाला था, उसी प्रकार हमें समझना चाहिए कि राज्य गरीब जनता का है और उसके नाम पर उसके संरक्षक बनकर हमें उसको चलाना है। अब गरीब को ऐसा अनुभव होना चाहिए कि हर एक उसकी सेवा में लग रहा है। सूर्य के उदय होने पर धनी गरीब सबके घरों में प्रकाश पहुंचता है। ठीक उसी प्रकार स्वराज्य का लाभ सबको एक समान मिलना चाहिए। इसका सुख धनी निर्धन सबको बराबर मिलना चाहिए। जनता को हमने वचन दिया था कि स्वराज्य मिलने पर हम आपके दुख दूर करेंगे। अब वह समय आ गया है जबकि हमें अपने उस दिए हुए वचन को सार्थक करना है। पैराग्राफ। इतने बड़े देश में विचार भेद होना स्वाभाविक है। देखना यह है कि हम लोगों के विचारों में कूद का समान अंश भी है या नहीं। यदि है तो समान कार्यक्रम बनाइए। इस प्रकार कार्य करने से हमारे भेदभाव कम होते होते एक दिन मिट जाएंगे और अच्छी बातों का अपने आप उदय होने लगेगा। अगर उसी प्रकार भेद स्थापित करने का प्रयत्न किया गया तो लोग सत्ता के पीछे पड़ जाएंगे और स्वराज्य प्राप्त होने का आनंद हम लोगों को नहीं
मिल सकेगा, स्टॉप पूर्ण स्टॉप।